मैं गरबारे क्लब ठहरा था, मैं सुबह देखता हूं बाहर गेट पे सुरक्षा ही नहीं, और जब चलूंगा तो 6-6 गाड़ियां साथ साथ चलेंगी। बड़ा हैरान हुआ, एक टाइम्स ऑफ इंडिया का पत्रकार था, कहते आपके ऊपर इतने हमले हुए 14 बार, तो आपकी सुरक्षा का। मैं कहा यार मुझे पता नहीं, मैं कहा स्टोरी मत लगाना ना, ना ये काम मत करना, हम राजनीति नहीं करेंगे। मैं फटाफट उस पुलिस ऑफिसर के दफ्तर चला गया, मैंने कहा ये वीडियो देखिए, ये मैं नाना साहब मैं महाराष्ट्र की बात बताना चाहता हूं, हम खड़े कहां हैं, हमें अनुभव होना चाहिए। वो कहने लगा, मैंने वीडियो दिखाई, कहता आप कांग्रेस में हैं। बड़ा हैरान हुआ, आईपीएस ऑफिसर तू मुझे इस तरीके से सुरक्षा बाहर नहीं लगाई, मैं कांग्रेस में हूं, जबकि मेरा मतलब ही नहीं इन चीजों से, मेरे लिए उस वक्त भी राष्ट्र था, और अपने नेताओं की बड़ी मार खाई मैंने, क्योंकि अपने विचारों को नहीं बदला, अफजल के ऊपर खूब स्टैंड लिया, राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी को मेडल लुटा दिया, परिवारों के साथ फांसी दे दोगे मेडल दे देना, नहीं तो नेशनल म्यूजियम में रख देना। मुझे बड़ी धमकी आई इंटेलिजेंस ब्यूरो से, सरकारों से, अपनी गवर्नमेंट से, मत मेडल उठाओ नहीं तो सुरक्षा हटा लेंगे, और उन्होंने हटाई, मैं हटा नहीं, इधर पार्लियामेंट सेशन उधर मेडल उठा रहे थे। इस अफसर को पता नहीं मैं क्या करता हूं। मैंने कहा यह ठीक नहीं, मैं तो जाऊंगा, पर इस गरबारे क्लब ने अगर बम लगा दिया, कार बम, या नीचे किसी कमरे में बम लगा दिया, पता नहीं कितनी जिंदगियां उजड़ जाएंगी। मैं सोशल काम करता हूं, मैं शहीदों के लिए काम करता हूं। कहते ठीक है, आगे से ऐसा नहीं होगा। 10 दिन के बाद मैं गुजरात कच्छ के अंदर कुछ शहीदों के कार्यक्रम थे, वहां गया, वापस फिर दिल्ली बॉम्बे आया, फिर मैं किसी और होटल में ठहरा। क्या देख रहा हूं, रात को 2 बजे उठा, सुरक्षा ही नहीं, नीचे उतरा, वीडियो मैंने लड़के को बनाओ, एक पुलिस ऑफिसर आया चेकिंग वाला, कहता आप नीचे, मैं कहता तेरी सुरक्षा कहां है, आधा घंटा लगा जी, वो कहीं दूर सोए हुए थे। फिर मैं चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र को मिलने गया, ये मेरे का 2-3 महीने की बात होगी, आपकी नॉलेज में लाना चाहता हूं, कितना सुरक्षा का लैप्स है यहां के अंदर, हमारा चीफ मिनिस्टर भी सेफ नहीं है। मैं पूना में था रात को, रात को 2 बजे जाग खुल गई, भगवान की कृपा, कई बार पता चल जाता है। मैं क्या देखता हूं बाहर सुरक्षा है, 1 घंटा उस सर्किट हाउस में मैं 1 घंटा घूमता रहा, कंट्रोल रूम का नंबर मांगता रहा, 1 घंटे में कंट्रोल रूम का नंबर ही नहीं मिला, और एक पुलिस इंस्पेक्टर आई, मैंने क्या पूछा ये गेट क्यों खुला है, कहते गेट बंद करने की हमें ऑर्डर नहीं है, मतलब गाड़ी अंदर आए, मैं हूं या कोई और हो, मंत्री हो या कोई और हो, ठा ठा गोलियां मारे और पुलिस के जवानों को ठा ठा मारे और गाड़ी में चले जाए, ये कहां से बचेंगे, कौन सा राष्ट्र, कहां राष्ट्र के लिए खड़े हैं, अपनी ही नशे में घूम रहे हैं हम लोग, कहां सच, अपनी नशे में घूम रहे हैं। आपका चीफ मिनिस्टर साहब के पास दोबारा जाके हाथ जोड़ू मैं नहीं जाऊंगा, मरना मरू इस राष्ट्र के लिए कोई बात नहीं, पर ये चर्चा मेरे मरने के बाद यहां की महाराष्ट्र की पुलिस को जवाब देना होगा। 1 महीना पहले उसके डग जनपद में बाहर खड़े गार्डन में अपने दोस्त को बोल दिया, मैं कह राजीव गांधी जिंदा नहीं रहेगा। कहता क्यों, मैं कह एसपी जी हट गई, चंद्रशेखर आजाद ने एसपी जी हटा ली, पॉलिटिकल टेररिज्म, राजीव गांधी की नहीं बचेगा। हम आए, किसी ने चेकिंग की, 1.5 महीने के बाद राजीव गांधी को मार दिया। 91 की बात, 92 में अमृतसर के अंदर मेरे पे ब्लास्ट हुआ, हम हिंदुस्तानी हैं, हमें अपने कर्तव्य को पूरा करना है, मैं आपके सामने एक छोटी सी मिसाल हूं। मैं 96 में चीफ मिनिस्टर के लिए नरसिम्हा राव ने बोला था, मैं कहना मैंने अपने मिशन को पूरा किया, मैंने अमन शांति के लिए कांग्रेस बीजेपी सीपीएम सीपीआई सब ने मिलकर हमने कर दिया, पूरे राष्ट्र के कोने कोने में जाऊंगा, ये मेरा काम नहीं है, जिंदगी बड़ी छोटी है, मना कर दिया। अब पीछे नितिन गडकरी जी ने टिकट दिया दिल्ली से, वह दिल्ली थे, मैं कहना ये मेरा काम नहीं, मैं राष्ट्र की सेवा के लिए ऐसे ही ठीक हूं, मैं इन चीजों में नहीं पड़ता हूं, आप अच्छे हैं, सेवा आप कर सकते,
सवाल सबसे बड़ा ये कि मेरा भी एक अनुभव है, जैसे अभी लोडे जी, वसंत लोडे जी, सोशल काम है ना, कितने सालों से चल रहा है ना, एक मिशन तो है ना, गरीब लोगों की मदद तो हो रही है ना, वंदे मातरम भारत माता की जब बोली तो जाती है ना, तो हम सारे लग जाए। राख तो इकट्ठी हो गई पर हम इकट्ठे पॉलिटिशियन ना हुए, हम तो जातों और धर्मों में बांट दिया। अगर हमें पता है कि हमने अगले जन्म में यह बनना है, भगवान ने पता लिख के दिया है, तो काट डालो, मार डालो। अगर पता ही नहीं, बुरे कर्म किए हैं तो कीड़े मकोड़े बन के किसी के पैरों में दब जाना है, अच्छे कर्म किए तो अच्छे काम में लग जाना है, तो फिर अगर गारंटी नहीं तो क्यों उन चक्रों में पड़ते हो। प्रथम राष्ट्र वंदे मातरम भारत माता की जय, इनको जिंदा रख लो। बस इन्हीं शब्दों के साथ आपका शुक्रिया अदा करता हूं, और मुझे उम्मीद है जिस तरीके से आपने मेरे अनुभव को, मेरे राजनीतिक आतंकवाद को, महाराष्ट्र के पुलिस के अधिकारियों के बारे में जो छुपी 11 की घटना को फिर दोहराना चाहते हैं, इसको सोचना, इसको विचारना, और अगर कोई बहस के लिए अधिकारी कहे ठोक के जवाब देना, मैं ठोक के उससे बहस करूंगा, अगर हार गया तो सजाए मौत देना, अगर वो हार गया तो इसको नौकरी से हटा के दूर फेंक देना, जो छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती को कमजोर और बदनाम दुनिया में करना चाहता है। वंदे मातरम, जय हिंद। बिट्टा जी मन ले, मैं कुछ नहीं हूं, मैं कौन से पार्टी का नहीं हूं, मैं कौन से दल का नहीं हूं, मैं इस देश का हूं और इस देश के लिए मैं काम करने वाला हूं। जब तक मेरे में जान है तब तक मैं देश के लिए मैं काम करने वाला हूं। अशा प्रकारे प्रखर प्रणय देशभक्ति चे प्रणते म्हणून, देशभक्ति चे म्हणजे मी देवदूत ही उपमापन त्याच्या पुढची ती पण कमी है, इतका असं महान कार्य बिट्टा जी आप कर रहे हैं। हमें बहुत आपको, हम पूरे नगर वासियों की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।